संसदः वित्त सत्रम् अद्य राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविंदस्य अभिभाषणेन सह प्रारप्स्यते। वर्तमान वित्त वर्षस्य आय व्यय पत्रकेण सह आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तोष्यते। वित्त सत्रस्य सुचारु संचलनाय सर्वेषां राजनैतिक दलानां सहयोगाय अद्य सर्वदलीयं उपवेशनं सर्वकारेण आहूतम्। राज्यसभायाः सभापतिरपि वित्त सत्रस्य उद्देश्यं चर्चितुं दलानां समूहानां नेतृभिः सह उपवेशनं विधास्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं राष्ट्रिय महिला योगस्य 30वां स्थापना दिवस कार्यक्रमं आभासीय माध्यमेन संबोधयिष्यति। कार्यक्रमस्य विषय अस्ति स्त्रियः परिवर्तन वाहकाः। उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय नामांकनं प्रति ग्रहणाय अद्य अंतिमो दिवसः। उत्तराखंड गोवा प्रदेशयोः विधानसभा निर्वाचनाय अपि नामांकनं प्रति ग्रहणाय अद्य अंतिमो दिवसः। उत्तर प्रदेश विधानसभाया द्वितीय चरणस्य निर्वाचनाय नाम प्रत्यावर्तनस्य अद्य अंतिमो दिवसः। ऑस्ट्रेलियन मुक्त पुरुष एकल स्पर्धां विजित्य स्पेन देशस्य क्रीडकः राफेल नडालः इतिहासं रचितवान्। सः सर्वप्रथमः एकविंशतिः ग्रैंड स्लैम विजेता अभवत्। अभिवादये अहमस्मि ऋचा अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। अद्य सोमवासरे संसदः वित्तसत्रं राष्ट्रपतेः अभिभाषणेन सह द्वयोः सदनयोः प्रारप्स्यते। द्वाविंशति एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य आर्थिक सर्वेक्षणं सदने प्रस्तुतं भविता। अस्मात् सत्रात् प्राक् राज्यसभायाः सभापतिना लोकसभायाः अध्यक्षेण च वित्तसत्रस्य सज्जाः विस्तृतेन अवलोकिताः। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन फरवरी मासस्य प्रथमे दिने सामान्य आय व्यय पत्रकं प्रस्तोष्यति। संसदः वित्तसत्रस्य प्रथमं चरणं जनवरी मासस्य 31 दिनांकात् फरवरी मासस्य 11 दिनांकपर्यन्तं चलिष्यति। वित्त सत्रस्य सुचारु संचलनाय अद्य सर्वेषां राजनैतिक दलानां सहयोगाय मध्याह्ने 3 सर्वदलीयोपवेशनं सर्वकारेण आहूतम्। कोरोना स्थितेः कारणात् उपवेशनम् इदं आभासीय माध्यमेन आयोजयिष्यते। अस्मिन् द्वयोः सदनयोः राजनैतिक दलानां नेतारः आमन्त्रिताः सन्ति। राज्यसभायाः सभापतिना अपि सदनस्य सुचारु कार्यं सुनिश्चेतुं सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्योपवेशनेन राष्ट्रिय महिला योगस्य 30वां स्थापना दिवसः मानिष्यते। कार्यक्रमस्य विषयः अस्ति स्त्रियः याः परिवर्तनं कुर्वन्ति। विषयोद्देश्यं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु स्त्रीणाम् उपलब्धीनाम् उत्सवम् अस्ति। राज्य महिला योगाः प्रदेश प्रशासनानां महिला बाल विकास विभागाः विश्वविद्यालय महाविद्यालययोः छात्राः महिला उद्यमिनः व्यावसायिक संघाः अस्मिन् आयोजने सम्मिलिताः भवितारः। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री अपि उपस्थितो भविता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनाय अद्य एकां आभासीयां निर्वाचन यात्रां संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा निर्वाचनाभासीया यात्रा। अस्मिन् 5 जनपदाः श्यामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर एते जनपदाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः आभासीय सम्बोधनाय उत्तरप्रदेशे 98 स्थलेषु व्यवस्था विहिता। लाभार्थिनः अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। 5 जनपदानां 21 विधानसभाक्षेत्रेषु कार्यक्रमः
आयोजयिष्यते। गत दिवसे अस्य नूतन वर्षस्य प्रथमेन मन की बात इति कार्यक्रमेण सह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशम अभ्यभाषत। मन की बात इति कार्यक्रमस्य 85वीं श्रृंखलायां प्रधानमंत्रिणा भारतं ज्ञानस्य तपोभूमि रूपे प्रतिपादितम्। सः महतां विभूतीनां शिक्षा संबंधेषु अवोचत् यत् तैः युवभ्यः शिक्षा केन्द्राणि स्थापितानि। प्रधानमंत्री श्री मोदी एतत् पक्षं प्रति अपि ध्यानम् अकर्षत् यत् भारतीय संस्कृतेः विविध वर्णाः आध्यात्मिक शक्तिश्च सदैव अखिलस्य जगतः जनान् आकर्षयति। तेनोक्तं यत् स्वातंत्र्यस्य अमृत महोत्सवे देशः राष्ट्रीय प्रतीकान् पुनः प्रतिष्ठापयति। सर्वैः दृष्टं यत् इंडिया गेट स्थलस्य समीपे अमर जवान ज्योतिः राष्ट्रीय युद्ध स्मारकञ्च स्तौ। मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमंत्रिणा देशे प्रत्येकस्मिन् स्तरे शिक्षाम् अपि प्रति वर्धिता जागृतिः प्रकटिता। तेन प्रासादम् अभिव्यक्तं यत् देशस्य प्रतिष्ठितेषु शिक्षण संस्थानेषु उच्च शिक्षा क्षेत्रे सराहनीयाः प्रयासाः प्रवर्तन्ते। पद्म पुरस्कारेषु चर्चयता प्रधानमंत्रिणा उक्तं यत् ये पद्म पुरस्कारैः सम्मानिताः ते प्रसिद्धाः न सन्ति, परं तेषां जीवनेन शिक्षा ग्रहणीया। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लोरेम्बम बिनो देवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने के लिए पद्म सम्मान मिला है। पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं, श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। गत दिवसे राष्ट्रपितुः महात्मा गांधिनः 470वीं पुण्यतिथौ सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजिता, यस्यां प्रधानमंत्रिणा सहितं नैकाः गणमान्याः जनाः उपस्थिताः आसन्। महात्मा गांधिनं स्मरयन् प्रधानमंत्री अकथयत् यत् तेषां आदर्शान् प्रसिद्धिम् उपनेतुं सर्वैः प्रयतनीयः। इतः प्राक् महात्मा गांधिनः विचारान् स्मरयता राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन राजघाट स्थले तेषां समाधौ श्रद्धांजलिः समर्पिता। गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः महात्मा गांधिनः पुण्यतिथौ अहमदाबाद नगरस्य साबरमती तटे आयोजिते कार्यक्रमे श्रद्धांजलिं समर्पयताम्। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य आगरा क्षेत्रे प्रचाराभियाने भविष्यति। मुख्यमंत्री अद्य आगरा क्षेत्रस्य एतमादपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्रेषु च निर्वाचन प्रचारं करिष्यति। मुख्यमंत्री तत्र नैकेषु संगठन कार्यक्रमेषु च भागो गृहीष्यति।
उत्तर प्रदेश विधानसभायाः द्वितीय चरणस्य निर्वाचनाय नाम प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमो दिवसः वर्तते। राज्ये 10 फरवरीतः 7 मार्च पर्यन्तं 7 चरणेषु मतदानं भविष्यति। अनेन सहैव निर्वाचनाभियानं प्रवर्धते। भारतेन कोरोना विभीषिका विरुद्धे प्रवर्तमाने संघर्षे कीर्तिमानं एकं स्थापितम्। कोरोना विभीषिकां अपाकर्तुं प्रभावकारी उपायरूपेण प्रारब्धस्य सूच्यौषधि अभियानान्तर्गते अधुना पर्यन्तं आहत्य 65+ सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः सन्ति। सूच्यौषधि अभियानं निखिलेपि देशे कोरोना संक्रमणात् सुरक्षोपायः अभियानमिदं सततं समीक्षते निरीक्षते च। कोरोना संक्रमणस्य न्यूनताम् अभिलक्ष्य उत्तराखण्डे अद्यतः 10-12 कक्षानां छात्राणां कृते विद्यालयः उद्घाटयिष्यन्ते। सर्वकारेण 10-12 कक्षायाः च कृते भौतिक कक्षा संचालनस्य आज्ञा प्रदत्ता। शिक्षा विभागेन विद्यालयेषु कोविड अनुरूप आचरणाय दिङ्निर्देशाः अपि प्रख्यापिताः। निखिले ही विश्वे कोरोना प्रकरणानि प्रसरन्ति। विश्वे अधुना यावत् कोरोना संक्रमणस्य 35,37,00,000+ कोरोना प्रकरणानि प्राप्तानि। तत्रैव 81,65,00,000 जनाः कोरोना संक्रमणेन मृत्युम् उपगताः। कोरोना संक्रमणस्य सर्वाधिकानि प्रकरणानि अमेरिका देशे सन्ति। अमेरिका देशे कोरोना विषाणोः ओमिक्रोन प्रकारस्य अपि प्रकरणानि वर्धन्ते। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्गस्य पुरस्कारः राफेल नडालेन विजितः। नडालेन अन्तिमे तीव्र संघर्षे रूस देशस्य दानिल मेदवेदेव इत्यमुना 2-7, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 अंकैः पराभूतः। अवधेयास्पदमिदं यत् पुरस्कारोयं नडालस्य जीवनस्य 21तमः ग्रैंड स्लैम पुरस्कारः वर्तते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते धुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मंगलम्।